आज हम लेके आए हैं फाइव कार्स अंडर 10 लैक्स जो आप ले सकते हैं, बेस्ट कार्स हैं। सबसे पहले ये टाटा की एल्ट्रॉस जो 5 स्टार रेटिंग ग्लोवर एंड कैप से इसको मिल रखी है। ये 5 सीटर कार है, आप इसको हैचबैक कार भी बोल सकते हैं, सिटी ड्राइव और लॉन्ग ड्राइव के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड लुक कुछ ऐसा दिखता है, हेडलैम्प्स कुछ ऐसे दिखते हैं इस पे। और गाड़ी की बात करें तो इस पे पेट्रोल डीजल सीएनजी में आती है, मगर पेट्रोल में 1.2 लीटर या टर्बो लेंगे तो आपको पावर ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, आप नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी लेंगे तो आपको पावर कम देखने के लिए मिलेगी। जबकि पेट्रोल में ये 5 मैनुअल एंड 6 DCA के साथ आती है, मगर डीजल में खाली ये मैनुअल में ही आती है। गाड़ी के फीचर्स की बात करें तो आपको इस पे बूट स्पेस बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, जबकि इस पे सीएनजी किट पहले से लगी होती है। और गाड़ी के अंदर चले तो आपको इस पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन, एंड्रॉयड एंड एप्पल कारप्ले, हार्वन की स्पीकर देखने के लिए मिलते हैं। और इस पे लाइटिंग जो डोर और फ्रंट में करके दी जा रही है आपको। गाड़ी के पेट्रोल की बात करें तो 1.2 लीटर में आपको 86 bhp निकाल के देती है, और टॉर्क की बात करें तो 115 का। और गाड़ी के टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो आपको 1.2 लीटर में 108 bhp निकाल के देती है, और पावर की बात करें तो 140 न्यूटन मीटर का निकाल के देती है। आपको डीजल इंजन में बात करें तो इस पे 1.5 डीजल इंजन आता है जो 89 bhp आपको निकाल के देता है। टॉर्क की बात करें तो 200, मगर आपको मैंने पहले ही बताया इस पे मैनुअल ही खाली आता है डीजल इंजन में, आप देख सकते हैं ऊपर ये दिख रहा है, देखिए 5 मैनुअल ही आता है। सेकेंड कार हमारी फ्रॉक्स है जो कंपेरिजन में बैलोनों से अच्छी, और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा देखने के लिए मिलता है, और इस पे ओनली पेट्रोल में ही आती है। इस पे 5 मैनुअल एंड 5 ऑटोमेटिक गियर देखने के लिए मिलते हैं, जबकि टर्बो वाले में आपको 5 मैनुअल एंड 6 ऑटोमेटिक गियर देखने के लिए मिलते हैं। इस पे 1.2 लीटर में आपको पावर 88 bhp मिलती है, और टॉर्क 113 न्यूटन मीटर का मिलता है, जबकि टर्बो वाले में आपको 1.1 लीटर में ही आपको 99 bhp एंड 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। और इस पे आपको 5 मैनुअल एंड 6 ऑटोमेटिक गियर देखने के लिए मिलते हैं। हमारी थर्ड कार है टाटा की पंच, इसको भी ग्लोवर एंड कैप से 5 स्टार रेटिंग मिल रखी है। ये भी खाली पेट्रोल में ही आती है, आपको सीएनजी मिल जाएगा मगर इस पे मैनुअल ही मिलेगा। पेट्रोल में ये 1.2 लीटर एंड पावर 87 bhp निकाल के देती है। टॉर्क की बात करें तो 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देती है। 5 मैनुअल एंड 5 ऑटोमेटिक इस पे आपको गियर देखने के लिए मिलते हैं। आपको टाटा का इंटीरियर और फिनिशिंग टाटा की और गाड़ियों से बहुत अच्छी देखने के लिए मिलती है, और गाड़ी की बैक हेडलाइट एंड बैक लुक भी कुछ ऐसा जैसे पंच मारा गया होगा। हमारे पास फोर्थ गाड़ी है निसान मैग्नेट, जिसको निसान ने बनाया है, और इसको 4 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप से मिल रखी है, और ये खाली पेट्रोल में आती है, और इंजन 1 लीटर का इस पे, और पावर की बात करें 7.16 bhp का निकाल के देती है, और टॉर्क 96 न्यूटन मीटर का। और इस पे गियर की बात करें खाली 5 मैनुअल गियर ही देखने के लिए मिलते हैं। आप टर्बो इसके वेरिएंट टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स में जाएंगे तो ये आपको 10 लैक के ऊपर मिलेगी। अंडर ये 10 लैक आपको गाड़ी मैनुअल में मिल जाएगी, और 1 लीटर इंजन के साथ, और परफेक्ट सिटी ड्राइव एंड लॉन्ग ड्राइव के लिए इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा, आप इसको SUV कार भी बोल सकते हैं। और आपको इसके फीचर्स देख सकते हैं, हेडलाइट कुछ इस तरह से देखने के लिए, इसकी हेडलाइट है वो रात में बहुत अच्छे से काम करती है। अब हमारी फिफ्थ एंड लास्ट कार है होंडा की MH, जो करेंटली पेट्रोल में आ रही है, पहले डीजल में भी आती थी, अब बंद हो गई है। और इसके पेट्रोल इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का होता है, और ये पावर आपको 89 bhp निकाल के देता है। टॉर्क की बात करें तो 110 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल के देता है। और ट्रांसमिशन की बात करें तो मैनुअल है, CVT ट्रांसमिशन में आपको देखने को मिलता है। इस पे आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं देखने के लिए मिलेंगे, काम के सारे फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे। और आपको ये कार अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आपको अंडर 5 लैक्स जो कार अच्छी लगी आप ले सकते हैं, सॉरी 5 लैक्स नहीं, अंडर 10 लैक्स। मेरे हिसाब से अंडर 10 लैक्स में टाटा पंच एंड टाटा एल्ट्रॉस बेस्ट कार है, क्योंकि इनको 5 स्टार रेटिंग मिल रखी है, और सेफ्टी पर्पज से भी
अच्छी कार्स हैं। आप सबकी टेस्ट ड्राइव लेने के बाद आप अपने हिसाब से भी फाइनल कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टाटा पंच एंड टाटा एल्ट्रॉस भी अच्छी कार है। आप निशान को भी ले सकते हैं क्योंकि उसको भी 4-स्टार रेटिंग मिल रखी है। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर।